हेलो गाइस आज हम अंडा करी एग करी बनाने जा रहे हैं वो भी कुछ डिफरेंट स्टाइल से जिसके लिए आपको जितने भी एग लेने हैं आप मैंने तीन एग लिए उसको अच्छे से बॉईल किया और बीच से कट करके उसको रख दिया फ्राई करने के लिए एक पैन में तेल लिया तेल मैंने ज्यादा लिया है आपको लग रहा होगा क्योंकि इसी में करी भी मैं बनाऊंगी ये देखिए हमने अच्छे से एग को फ्राई किया है देखिए उसी तेल में हम लोग एक कटा हुआ प्याज और सॉल्ट डाल के उसको भूनना स्टार्ट कर देंगे उसी तरफ ग्राइंडर लेंगे उसमें दो टमाटर कटे हुए डालेंगे लहसुन डालेंगे अदरक डालेंगे मिर्ची डालेंगे जितने भी आपको मिर्चा चाहिए होगा और साथ ही साथ हरा धनिया लेके उसको पानी डालेंगे और फिर उसको ग्राइंड करेंगे ये देखिए हमारा प्याज अच्छे से भुन गया है ना प्याज तो आपको रेड करना ही होगा और जो पेस्ट हमने बनाया था वो अब मिक्स करेंगे ये देखिए पेस्ट धनिया की वजह से ग्रीन ग्रीन सा हो गया है अब इसमें मसाला पकाएंगे पकाने से पहले इसमें हम लोग डालेंगे हरा धनिया हल्दी और मीट मसाला या सब्जी मसाला आप कोई भी मसाला डाल लीजिए टेस्ट के लिए फ्लेवर के लिए इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक इसका तेल बाहर ना आने लगे जब तेल बाहर आ जाए समझिए कि वो अच्छे से भुन गया है फिर इसमें आप पानी डालिए एक कप और फिर इसको एक बार बॉईल आने पे अंडा उसमें डाल दीजिए आपने फ्राई किया था और धनिया डाल के अच्छे से खाइए चावल से रोटी से सबसे अच्छा लगेगा थैंक यू